एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वेयरसेल वुमन। एंड सबसे पहले सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि 2021 सबके घर में ढेर सारी खुशियां लेके आए। एंड मैंने तो शुरुआत कर दी है भाई इस वीडियो को अपलोड करके 2021 की। तो आइए बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। आज का वीडियो बेसिकली क्या है कि कुछ दिन पहले मेरी एक दोस्त है, हर नेम इज चारू, तो वो घर पे आई हुई थी एंड वो मेरे लिए बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट्स लेके आई है एंड मुझसे रहा नहीं गया वो गिफ्ट्स। यू नो, मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एंड इस वीडियो को बनाने का एक और रीज़न भी था कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये गिफ्ट्स आप लोगों को कैसे लगे हैं, सो दैट मैं खुद वहाँ पे जाके एक हॉल वीडियो करूँ इस पर। एक्चुअली मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि यहाँ पे यू नो चुंबक करके एक स्टोर जो है वो ओपन हुआ है, तो वो वहीं से मेरे लिए ये सारे गिफ्ट्स लेके आई है। एंड मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे ये गिफ्ट्स, यू नो बहुत ही अच्छे ट्रेडिशनल से पैटर्न है इस पर। तो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो, सो दैट कि आप लोग भी देखो। एंड प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कि कैसे लगे आप लोगों को ये गिफ्ट्स। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो। दिस इज द कैरी बैग जिसमें सारे गिफ्ट्स हैं। तो आइए, अब बारी है इन्हें ओपन करने की। तो जो फर्स्ट गिफ्ट मुझे मिला है वो है ये प्यारा सा क्यूट सा लंच बॉक्स। देखिए, बहुत ही मुझे ये अच्छा लगा है। मैंने इस तरह के काफ़ी ज़्यादा लंच बॉक्सेस देखे हैं, लेकिन वो सिर्फ स्टील के होते थे। आई मीन इस टाइप का कोई पैटर्न मैंने आज तक ऐसे लंच बॉक्सेस में नहीं देखा था। तो ये बहुत ही अच्छा और ट्रेडिशनल सा यू नो पैटर्न इस पर बना हुआ है एंड इस पर दो बॉक्सेस हैं एंड यहाँ से इसका लॉक है, यहाँ से यूँ देखा। एंड मुझे इस तरह की यू नो ट्रेडिशनल चीज़ें वैसे भी बहुत अट्रैक्ट करती हैं, तो मुझे बहुत पर्सनली ये पसंद आया। थैंक यू चारू फॉर दिस लंच बॉक्स। लेकिन आजकल क्या है कि हमारा जो है वो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो लंच बॉक्स तो मैं लेके जा नहीं सकती, लेकिन जब भी हमारा ऑफिस वाले हमें बुलाएंगे ना, तो डेफिनेटली मैं ये लंच बॉक्स ज़रूर कैरी करने वाली हूँ। तो जो नेक्स्ट गिफ्ट है मेरा वो है ये। देखने में तो ये डायरी लग रही है, लेकिन दिस इज़ नॉट अ डायरी, ये है वॉलेट। जी हाँ, जब चारू ने मुझे ये गिफ्ट किया था तो आई वॉज लाइक कि मतलब मैं इसे डायरी मान के ओपन कर रही थी, लेकिन उसने कहा कि दिस इज़ नॉट अ डायरी, ये वॉलेट है। तो आउटर लुक तो इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आइए अब इसे हम अंदर से देखते हैं। तो जब मैंने इसे अंदर से देखा तो ऑल एंड ऑल काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें। यहाँ पे आप अपने पेपर्स वगैरह कैरी कर सकते हो एंड राइट साइड पे ये जो स्पेस बनी हुई है, यहाँ पे आप अपने फोटोग्राफ्स, कार्ड्स वगैरह, ATMs वगैरह कैरी कर सकते हो एंड यू नो पैसे वगैरह रखने के लिए भी काफ़ी अच्छी स्पेस है इसमें। दिस इज़ अ डायरी एक्चुअली। डायरी की अगर मैं बात करूं तो इस पे चेन स्टिच से एम्ब्रॉयडरी हुई पड़ी है, जो कि बहुत अच्छी लग रही है देखने में। एंड अगर मैं पेजेस की बात करूं तो पेजेस इसमें कुछ ब्लैंक पेजेस भी हैं एंड कुछ लाइन वाले पेजेस भी हैं, तो अगर आप यू नो कुछ ड्रॉ वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं इन ब्लैंक पेजेस पे। डायरीज बहुत पसंद है, डायरीज मैं खरीदती हूँ लेकिन उन्हें मैं यूज़ कम करती हूँ। बेसिकली मुझे संभाल के रखना बहुत पसंद है डायरीज। तो आई थिंक चारू ने मुझे एक लास्ट टू लास्ट ईयर भी डायरी दी थी, तो वो भी मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई है, मैंने अभी तक उसे भी यूज़ नहीं किया, बिकॉज यू नो डायरीज की कलेक्शन इकट्ठी करनी मुझे बहुत पसंद है। तो आई रियली लाइक दिस डायरी एंड स्पेशली द एम्ब्रॉयडरी। लास्ट गिफ्ट पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है एंड वो है ये क्यूट सा यू नो लैपटॉप बैग है ये। इसके इस साइड पे आप देख पा रहे होंगे पूरे जो है ये एनिमल फेसेस बने हुए हैं, ट्रेडिशनल टाइप का प्रिंट है ये। एंड इसकी जो बैक साइड है इस पर और टाइप का प्रिंट है ये, तो इस साइड बॉर्डर्स वगैरह बने हुए हैं, तो दोनों साइड्स जो हैं बेसिकली बहुत अच्छी लग रही हैं। आप उसको इस साइड से भी कैरी कर सकते हो, इस साइड से भी कैरी कर सकते हो। लैपटॉप बैग के अगर मैं इनर पार्ट की बात करूं तो बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक लगा हुआ है इस पर एंड ये दो हैंडल्स हैं जिसके थ्रू आप इस बैग को कैरी कर सकते हो अच्छे से। एंड इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूं एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो या मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड स्टे वेयर।